आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। और पहले तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और टाइम दोपहर का हो रहा है, युवांग सो गया है, तो खाना जरा भी हमने खा लिया है। मौसम ने एकदम से जो करवट बदली है ना, मैं तो अभी बाहर देख कर आई थी, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। और आज हमारे सामने मार्केट लगी हुई है, तो मैं अभी हस्बैंड से यही बोल रही थी, उनके बेचारे ये सोच रहे कल भी इतनी अच्छी धूप आई, अभी थोड़ी देर पहले इतनी अच्छी धूप थी, अभी एकदम से बादल हो गया, एकदम से बादल हुआ है। तो अच्छा, अभी मेरी जो है ना चाय बना रही हो, और ये जो चाय ना मैंने आज इतनी डटर के बनाई है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने चाय बनाई है गुड़ वाली, और मेरी फ्रेंड है रागनी, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे बनाते हो गुड़ वाले चाय, और इसलिए मैं डर रही थी क्योंकि हमेशा जो गुड़ वाली चाय होती है ना वो फट जाती है, और इस बार फटी नहीं है। क्यों नहीं फटी है मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो दूध है ना वो मैंने गर्म करके डाला है इसलिए। तो ये रही चाय, ये रहा मेरा छोटा सा कप, मैं इसमें पीऊँगी। बाल अभी गीले हैं, सूखे नहीं हैं ये, और जो गुड़ है ना वो है मेरा मतलब पाउडर है, तो वो रख दिया मैंने, इसमें आटा है रखना है, और बस ये अभी मैं चाय पी लेती पहले। तो गुड़ वाली चाय पीने के बाद मैं बाहर आई, और धूप, इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा कि इतनी तेज धूप आ रही थी ना, तो एकदम से जो है ना मौसम चेंज हो गया, बादल आ गए थे, और सामने जो है ना वहाँ मार्केट भी लगी हुई है। तो यहाँ से मैं अभी थोड़ी देर में बर्तन लेती हूँ, और ये है कड़ी पत्ता जो कि धोकर रखा था, तो बाहर हवा काफ़ी तेज चल रही थी इसलिए मैंने इसको अंदर ला के रख दिया, थोड़ा सा और गीले हैं, जब ये सूख जाएंगे तब मैं उसको एक कंटेनर में रखूँगी। अंदर सो रहा है गोलू, और यहाँ पर है मेरे कपड़े जो कि मुझे लगानी है तय, वो बाद में लगाऊंगी। तो अभी मैं थोड़े मोटे काम मैंने निपटा लिए थे अपने, शाम के झाड़ू वगैरह सब भी लग चुकी है, युवान भी उठ चुका है, और कपड़े हैं जो मैं अभी तय लगा के रखूँगी। और इधर मैं तय लगा रही थी तो गोलू का मैंने फेस देखा, और फिर देखा कि वो फ्रेश होने के लिए जाएगा, तो उसको मैं गई फटाफट से, फिर दोबारा से मैं अपने काम पर लग गई हूँ। तो अभी सारे कपड़े रख दिए हैं मैंने, बस अभी बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, और अभी मुझे ना ये इतने वाले मतलब ये वाले काम निपटाने के बाद मुझे बाहर जाना है, मार्केट जाना है, क्योंकि आरना के जूते हैं स्कूल के, वो लेकर आना है मुझे। और पहले हम कल सोच रहे थे जाने के लिए, बट कल दिमाग से निकल ही गया कि बाहर भी जाना है, फिर आज जा रहे हैं, और एकदम से मौसम चेंज हो गया। फिर देखा बाहर जाकर कि मौसम जो है ना फिर से ठीक हो गया, तो हल्की हल्की सी धूप भी आ गई थी, बट यह है कि हवा काफ़ी तेज थी। आज अब मौसम ठीक सा हो गया फिर से, चलो अभी हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। मुझे हैं एक्चुअली ना आरना के जो जूते हैं ना ब्लैक कलर के, वो खराब हुए हैं, सुनो 10 नंबर है, तो उसको लेके नहीं जा रहे, वो ट्यूशन गई हुई है, तो हमने सोचा कि चलो हम ले आते हैं उसका नंबर। हो गया चले, आपकी तो ये हाँ वो 10 नंबर है पक्का, देखो एक बार फिर से चेक कर लो, 10 है देखो, वो व्हाइट पहन कर जाती है, हैं तो इसको देखो, इसको देखो, देखो उसको देखो, चले कर लेना व्हाइट। चलो भैया, मैंने ना बालों को ना इसके अंदर डाल लिया है, बाइक पे जा रहे हैं ना तो उड़ते हैं फिर, और वो उड़ते हैं बाल तो उलझ जाते हैं अच्छे वाले। चलो गोलू, चलो गोलू, चलो लाइट ऑफ, चलो। हेलो आंटी जी, कैसे हो आंटी आप? हेलो भैया, नमस्कार। मैं अभी ना कल में भैया से पूछ रही थी कि हेलो बेबी, नमस्ते अंकल, हेलो बेटा, कब आए आंटी आप? अच्छा हम अभी दिन में आए। अच्छा दिन में आए हो आप, मैं कल भैया से पूछ ही रही थी, हाँ दिन से याद किया है, हाँ नहीं आंटी मैं धमला दिया, हाँ आंटी से बढ़िया, थैंक यू। अब हम जा रहे हो आंटी? मैं नीचे जा रही हूँ। अच्छा अच्छा,
तो हमारे घर के जस्ट बराबर में ना उनके बेटे रहते हैं और आंटी अंकल रहते हैं मथुरा में, तो वो आज आए थे, तो आज उनसे मुलाकात हो गई। जब भी वो आंटी काफ़ी अच्छी हैं, जब भी हम जैसे वो आती हैं ना तो हमारे घर जरूर आती हैं, मुझसे मिलती हैं, तो अच्छा लगता है। तो उनसे थोड़ी सी बातें करने के बाद फिर हम निकल गए हैं मार्केट के लिए और धूप हो आ चुकी है। और आरना के जूते जो है ना हमें ढूंढते ढूंढते मतलब 10 नंबर ढूंढते ढूंढते 1 से 1.5 घंटा हो गया तक कहीं भी शॉप पर नहीं मिल रही थी। छोटी से लेकर बड़ी तक शॉप पर हम चले गए, कहीं नहीं मिली। तो यहाँ पर भी 10 नंबर था नहीं और बड़ी मुश्किल से हमें 11 नंबर मिला था, नहीं तो 11 नंबर भी कहीं नहीं मिल रहा था। तो यहाँ मिला और फिर यहाँ से हमने ले आरना के जूते ले लिए थे। फिर मैं युवान के लिए भी देख रही थी, तो युवान के लिए मुझे पसंद नहीं आए, तो थोड़े बड़े से भी थे। अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप युवान का कौन सा दूध देते हो, तो मैं देती हूँ ये वाला काओ का, फुल क्रीम होता है, और तो मैं ये वाला उसको जो है ना दूध देती हूँ युवान को। काओ का नहीं है, सॉरी, काओ का मैंने बंद कर दिया है, फुल क्रीम का मैं देती हूँ। काओ का मैं पहले देती थी जब वो 6 मंथ का स्टार्ट हो गया था, और तो तब से मैंने देना शुरू किया था। जब वो 1 साल का हो गया है ना, तब से जो है मैं उसको फुल क्रीम दे रही हूँ। तो इसमें से जो मलाई है काफ़ी अच्छी से निकल जाती है, तो मलाई अलग हो जाती है, दूध जो है ना दूध मतलब थोड़ा सा वो हल्का हो जाता है, नहीं तो मलाई से क्या होता है दूध जो है ना हैवी हो जाता है। तो मैं उसको मदर डेयरी का फुल क्रीम देती हूँ युवान को, और उसके लिए 1 किलो दूध आता है, तो 1 दिन का गैप हो जाता है, तो फिर 2 दिन बाद मेरा जो है ना फुल क्रीम आता है। तो अभी बस शाम के काम मैं निपटाती हूँ, उसके बाद मैं हाँ मार्केट गई थी ना सुबह शाम को, तो वहाँ से मैं दाल भी लेकर आ गई थी, तो क्योंकि दाल भी सारी ख़त्म हो रही थी इसलिए। तो बस अभी ग्रोसरी का सामान भी है, ऑर्डर कर दिया है, तो देखते कब आता है। बाकी सारे बर्तन हैं वो मैं अरेंज करके रख रही हूँ इनकी जगह पे, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी थी ना तो सूख चुके थे सारे बर्तन। तो बस अभी आरना खेल रही है और खाना वगैरह सबने खा लिया है, युवान आराम से अपना मस्ती से लेटा हुआ है, तो इसका भी अभी सोने का टाइम हो जाएगा। इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर आरना युवान को सुलाने के बाद जो था ना मैं भी सो गई, इसलिए। देख रहे हो ये गिटार बजा रहा है, ब्रेक नहीं लगती इसे। ठीक है, मैं अभी नहा कर आई हूँ, अभी आई हूँ नहा कर। आज मेरा आज थर्सडे है ना, पूजा करने जाऊंगी। ये देखो नो 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 नो, ये पता है आरना बेटा आराम से। अच्छा कल मैं गई थी ना तो आरना के ये वाले जूते लेकर आई, बट आओ दिखा जरा। तो उसके बाद ना व्हाइट कलर के तो थे, ब्लैक कलर के भी थे पर वो खराब हो गए थे, तो ये वाले लेकर आई थी ये, और दाले लेकर आई थी पतंजलि से। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि इसके जूते ढूंढने में ही हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया। 10 नंबर था, 10 नंबर मिला नहीं, कहीं भी नहीं मिला कहीं भी। तो फिर 11 नंबर मिला है, तो सोचा कि थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि अभी आरना 7 साल की हो जाएगी अगस्त में, अभी तो 6 साल की है, तो जब तक ठीक से आ भी जाएंगे इसके, तो 2 साल आराम से चल जाएंगे इसके वाले जूते, इसलिए फिर सोचा कि चलो 1 नंबर ले लेते हैं। अरे मेरा बच्चा, ए ओ हाँ, तो अभी मैं पूजा करने जाऊंगी, जबकि पापा जाके तब जाऊंगी, अभी तो मैं नहा लियो, जब तक गोलू को कुछ खिला भी दूंगी। अभी अंदर जाके गिटार बजा रहा है, और कल तो इसने हद ही बचा दी। कल हम मैं और इसके पापा कल बात कर रहे थे रात को कि पता नहीं ये, क्योंकि कल इसने हद ही बचा दी, कल ही अंदर चला जा रहा था बार बार और वहां जाके गिटार बजा रहा था। है बॉल आपको मैंने दिखाई था, कुछ भी ले लेता है, कुछ भी चीज फेंक कर उसको फुटबॉल बना लेता है अपनी। तो हम दोनों यही कंफ्यूजन हो गए कि कहीं ये पढ़ाई तो नहीं करेगा, मतलब पढ़ाई भी पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, बट हाँ ये है कि गिटार और मतलब इसमें म्यूजिक और फुटबॉल में तो मुझे लगता है ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फुटबॉल मैच खेलेगा इंडिया वाला फुटबॉल मैच खेलेगा, आरना ने बोल दिया।
कल हम यही बातें कर रहे थे, हंसी आ रही थी, कल इसकी हरकतें जो थी ना बस पूछिए मत। और अंदर चला गया वो। अरे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो का आने करती हूँ यहीं पर। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, जय कर दो, जय जय। चलिए बस आना जाने वाली है उसको, बाय।